इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। बीएसएनएल के 2G इक्विपमेंट पर इन दिनों चोरों की नजर है। चोरों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बीएसएनएल ऑफिस के सब डिविजनल केंद्रों को अपना निशाना बनाया जा रहा है, जहां से शातिर चोर लाखों रुपए का सामान, 2G इक्विपमेंट और लैंडलाइन मटेरियल सहित अन्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वस्तुएं चुरा रहे हैं। ऐसा ही मामला आज सोनखार स्थित बीएसएनएल दूरभाष केंद्र में सामने आया, जहां पर अज्ञात चोरों के द्वारा देर रात चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के मटेरियल पर हाथ साफ कर लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर बीएसएनएल अधिकारियों के द्वारा कुंडीपुरा थाने में जाकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई, जबकि दो दिन पहले भी सिल्लेवानी और बोरगांव के बीएसएनएल दूरभाष केंद्र में लाखों रुपए की चोरी हुई है। रात्रि 11 के बाद की घटनाक्रम होगा और इसमें जो चोरी गया है वो है अपना जो 2G इक्विपमेंट रहते हैं, 2G BTS जो चलते हैं, उसके सारा इक्विपमेंट का पूरा सामान गया हुआ है और जिससे लैंडलाइन एक्सचेंज चलता है अपना, वो सारा सी डॉट का पूरा सामान गया हुआ है, उसके कार्ड्स, उसकी मदरबोर्ड, सारा कुछ गया हुआ है। पूर्व मतलब शुक्रवार की रात्रि में ये सिल्लेवानी में और बोरगांव में यही पूरा सामान गया हुआ है वहां से। कांग्रेस के द्वारा आज साधारण उद्योगपति से अरबपति बने अडानी और भाजपा सरकार का स्थानीय फव्वारा चौक में पुतला फूंका गया। कांग्रेस का आरोप था कि केंद्र की भाजपा सरकार की शह पर अडानी द्वारा अप्रत्यक्ष घोटाला किया गया है। अडानी द्वारा किए गए इस घोटाले से SBI और LIC के 45 करोड़ खाता धारकों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी विरोध में कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए अडानी और भाजपा सरकार का पुतला फूंका गया। के नाक के नीचे घोटाले हो रहे हैं, चोर चोर मोसेरे भाई, ऐसा लग रहा है देश को लूटने के लिए एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। आम आदमी कहाँ जाए, बेरोजगार क्या करे, महंगाई की मार से मध्यम वर्ग वैसे ही परेशान था, आज LIC जैसी संस्था जीवन बीमा की, उससे लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। शेयर मार्केट से लोगों का करोड़ों रुपए का विश्वास मध्यम वर्ग का डगमगा रहा है। ऐसे समय में हमको याद आता है कि राहुल गांधी जी शुरू से कहते थे चौकीदार चोर है, और आज प्रमाणित हो गया कि चौकीदार चोर तो है ही, इसके साथ इसके चेले भी चोर हैं। देहात थाना क्षेत्र के सोमा ढाणा में दोपहिया वाहन की सीधी भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक को गंभीर चोट आई है जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार शाम 4 बजे मोपेट से शिवपुरी से सोमा ढाणा की ओर जा रहे बलदेव सिद्धाम और नंदू विश्वकर्मा की बाइक और मोपेड में सीधी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों वाहन चालकों की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक रवि विश्वकर्मा को गंभीर चोट आई है जिसका उपचार जारी है। गाड़ी से गाड़ी टकरानी है, मोटरसाइकिल, हाँ, उधर से आ रहे थे मोटर से और उधर इधर से भी जा रहे थे। बोले एक नंदू विश्वकर्मा है 35 वर्ष और बलदेव सिद्धाम 40 वर्ष, ये दोनों ही एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हुई है और दोनों को मृतावस्था में यहाँ जिला अस्पताल लाया गया है, उनका पोस्टमार्टम पर कार्रवाई की जाएगी एवं एक मरीज को भर्ती किया गया जिसके पैर में चोट है, उसका भर्ती कर उसका इलाज जारी है। भाजपा कार्यालय में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का यह बजट अमृत काल का पहला आम बजट है, यह 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। इस बजट से गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, शोषित, वंचित, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से पिछड़े और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाया जाएगा। यह हमारा अमृत काल का पहला बजट है और यह जो हमारा सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, उस ओर अग्रसर करने वाला यह हमारा बजट है। यह स्वर्णिम बजट है और निश्चित तौर पर हम सभी की मनसानुसार बजट है। इस बजट में युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, मध्यम वर्गीय एवं उद्योगपति, बड़े लोग, जितने भी लोग हैं, सभी का ध्यान रखा गया है, क्योंकि हम तभी विश्व गुरु बन सकते हैं जब हर व्यक्ति को राहत पहुँचाने वाला, हर व्यक्ति तक के लाभ पहुँचे। सरकार की गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं उन सब तक के इसका
लाभ पहुंचे, इस विषय को लेकर के यहाँ बजट होना है। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं, आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन, निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। शिक्षक नगर के शासकीय प्राथमिक स्कूल में प्रयास वुमेन क्लब के द्वारा निशुल्क दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दंत विशेषज्ञों के द्वारा बच्चों के दांतों की निशुल्क जांच करने के साथ उन्हें दवाओं का वितरण किया गया। प्रयास वुमेन क्लब के सदस्यों के द्वारा इस अवसर पर बच्चों को टूथब्रश, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, माउथ फ्रेश जैसे सामानों की किट भी वितरित की गयी। यहाँ के गरीब बच्चों का दंत परीक्षण किया गया। ये इस दंत परीक्षण में हमें डॉक्टर एकता चतुर्वेदी जी ने अपना अमूल्य समय दिया। उनके सहयोग से ही बच्चों को यहाँ पर दंत से रिलेटेड जो बच्चों को किट दी गई, जिसमें टूथपेस्ट, टूथब्रश और हैंड वॉश और माउथ वॉश का सामान उस किट में तैयार करके बच्चों को दिया गया। और आगे भी हमारे क्लब के द्वारा इसी तरह के आयोजन होते रहेंगे। संत गजानन गुणगान मंडल की बैठक आज मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। इस अवसर पर समिति के द्वारा गजानन महाराज की जयंती 13 फरवरी को आयोजित की जानी है, उसे लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। संत श्री गजानन महाराज शेगांव वालों का प्रकटोत्सव दिनांक 13 फरवरी दिन सोमवार को आयोजित किया गया है। सोमवार को प्रातः सुबह 8 बजे श्री का अभिषेक होगा, गणेश जी और अन्य देवी देवताओं का अभिषेक होगा। 10 बजे से अभिनी अभंग भगनी मंडल का भजन होगा। दोपहर 11:30 बजे महाआरती होगी और महाआरती के पश्चात गजानन महाराज का अत्यंत प्रिय भोजन ज्वार की रोटी, बेसन जिसको भाकर कहते हैं, बेसन भाकर का प्रसाद होगा। 3:30 बजे तक प्रसाद होगा। शाम को 6 बजे भव्य और दिव्य शोभा यात्रा रथ में निकाली जाएगी। बुराई बारी समाज का वार्षिक स्नेह सम्मेलन नरसिंहपुर रोड स्थित एक निजी लॉन में बीते रात संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज की होनहार प्रतिभाओं को सामाजिक प्रतिनिधियों के द्वारा सम्मानित किया गया, जबकि बच्चों के द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बरई बारी समाज की आज वार्षिक सम्मेलन हो रहा है, उसमें हम सभी बरई बारी समाज के लोग यहाँ बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हर समय ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा विकास यात्रा को लेकर विभाग प्रमुख अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विधानसभावार कलेक्टर ने शासन की योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।